जैसा कि आप जानते हैं, यह है काजल का घर। और आज काजल के घर में सभी सो रहे हैं, लेकिन काजल के घर के पास ही एक चोर खड़ा होकर के काजल के घर में ताक झांक कर रहा है। लगता है यहाँ पे सभी सो रहे हैं। अरे वो गाय कितनी तगड़ी लग रही है, मैंने सुना हुआ है ये बड़ी अच्छी गाय है, इसे तो आज चुरा लूंगा और अच्छे दाम में जा करके बेचूंगा। जल्दी से जा करके इसे चुरा लेता हूँ, लेकिन ऐसे तो वो बहुत शोर मचाएगी, इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। वो चोर गैया को पकड़ने के लिए ताजा ताजा हरे पत्ते ले आता है, ताकि पत्ते को देख करके गैया आसानी से उसके फंदे में फंस जाए। ये पत्ते लेकर के वो गैया के पास जाने लगता है। इधर गैया इंतजार कर रही है कि कब काजल उठेगी और उसे खाने के लिए चारा देगी। गैया को बड़ी भूख लगी हुई है। इतने में चोर हरे हरे पत्ते लेकर के गैया के पास आ जाता है। गैया की नजर हरे हरे पत्ते पे पड़ती है। गैया को तो वैसे भी बड़ी भूख लगी हुई थी। चोर उसे पत्ते देकर के और लालच में ला देता है। अब चोर उसे अपनी जाल में फंसाने का सोचता है। वो पत्ते ले लेकर के पीछे हटने लगता है और गैया पत्तों के पीछे 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 जाने लगती है। इस तरह गैया चोर की बातों में आ जाती है। चोर उसे घर के बाहर ले आता है, लेकिन सब कुछ से बेखबर गैया पत्तों के पीछे जाए जा रही थी, क्योंकि उसे बड़ी भूख लगी थी। उसे पत्तों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस तरह चोर गाड़ी पर चढ़ जाता है, गैया भी पीछे पीछे गाड़ी पर चढ़ जाती है। अब चोर पत्ता गैया के सामने रख देता है, गैया पत्ता खाने में लग जाती है। इधर चोर एक रस्सी लेकर के आता है। अरे ये गैया तो पत्ते खाने में लगी है, जल्दी से इसे रस्सी से बांध देता हूँ, इस तरह इसे लेकर के जाने में बड़ी आसानी होगी, वरना पत्ता खा करके इसे घर याद आ जाएगा। चोर गैया को बांध करके जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगता है। अब जब गाड़ी चलती है तो गैया देखती है, अरे वो कहाँ फंस गई। वो खुद को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो अच्छी खासी बंध चुकी थी, वो नहीं खुल पाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर गैया के चिल्लाने की आवाज से सोना उठ जाती है। ओली ओली, आज गैया ऐसे क्यों बोल रही है, ऐसे तो गैया रोज नहीं बोलती है। जाकर के देखती हूँ, लगता हम लोग बहुत ज्यादा सो गए हैं, इसलिए गैया भूख के मारे चिल्ला रही है। लेकिन कितना अजीब तरह से चिल्ला रही है, ऐसे तो गैया नहीं चिल्लाती है। एक काम करती हूँ, मम्मी सो रही है, जाकर के जल्दी से गैया को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, उसे भूख लगी होगी। सोना गैया के लिए चारा लेती है और गैया को खाना देने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पे गैया तो है ही नहीं। वो देख करके सोना बहुत परेशान हो जाती है। अरे यहाँ तो गैया तो है ही नहीं, गैया तो झोल झोल से चिल्ला रही थी, अजीब तरह से चिल्ला रही थी, कहीं गैया कोई मुसीबत में तो नहीं है। अरे गैया के चिल्लाने की आवाज तो बाहर से आ रही है, जल्दी से जाके देखती हूँ, जरूर गैया किसी मुसीबत में है। अरे अरे अरे, ये गैया को कौन लेके जा रहा है? अरे अरे अरे, अरे कौन है? अरे लगता है कोई चोर हमारे गैया को ले गया। तभी मैं कहूँ गैया ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अरे मम्मी 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 जल्दी उठो, मम्मी जल्दी उठो ना, मम्मी जल्दी उठो ना, हमारी गैया मुसीबत में है, जल्दी उठो, मम्मी गैया को चोर ले गया। क्या कह रही हो सोना, कौन गैया को ले गया? अरे क्या बोले जा रही हो? मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारी गैया को कोई गाली में उठा के ले गया। अरे सोना के पापा उठिए, जल्दी उठिए, हमारी गैया को कोई चोर उठा के ले गया। सोना के पापा, ओहो काजल क्या हो गया, इतना चिल्ला के क्यों उठा रही हो? और नहीं तो सोना के पापा क्या करूँ, हमारी गैया को चोर चोर उठा के ले गया है, चोर जल्दी चलिए कुछ कीजिए। क्या कहाँ ले गया? पापा मैंने देखा है, वो गैया को उस तरफ ले गया है, मैंने उसकी गाड़ी को उस तरफ जाते देखा है, पापा जल्दी कीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। इसके बाद शाम काजल सोना सभी गैया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। देखो तुम लोग ठीक से बैठना। अरे पता नहीं हमारी गैया को किधर लेके गया होगा। अरे वो देखो उस गाड़ी में हमारी गैया है, अरे लगता है ये वही चोर है। अरे ये लोग तो मेरा पीछा कर रहे हैं, ये लोग कितने तेज हैं, ये तो पीछा करते करते मेरे पीछे चले आए, इनके वजह से मैं फंस ना जाऊं। आखिरकार श्याम गैया को ढूंढ ही लेता है। गैया गैया, हम तुम्हें बचा लेंगे गैया। काजल और सोना की आवाज से गैया जोर लगाती है, रस्सी तोड़ लेती है और सीधा गाड़ी से जमीन पर गिर जाती है। अरे ये क्या, ये गैया तो गिर गई, अब मेरा यहाँ रुकना,
बेवकूफी होगी, जल्दी से गाड़ी को भगाता हूँ वरना मैं तो पकड़ा जाऊंगा। इधर गाड़ी से गिरने से गैया जख्मी हो जाती है, उसे खून गिरने लगता है। काजल, सोना दौड़ के गैया के पास आते हैं। मेरी गैया क्या हो गया मेरी गैया को? ओह तुम तो जख्मी हो गई गैया, उस सत्यानाश, उस चोर का, कलमुहे का, मेरी गैया को जख्मी कर दिया। अरे मम्मी देखो ना, गैया को कितना खून निकल रहा है, गैया तो जख्मी हो गई है, गैया को कितना दर्द करता होगा ना, मेरी प्यारी गैया तुम्हें दर्द करता होगा। चोट लगने पे भी गैया सोना और काजल को देख के बहुत खुश हो रही थी। जरा देखूं गैया को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, गैया को ज्यादा चोट नहीं लगी, चलो घर चलो, इसकी मरहम पट्टी कर देते हैं, कुछ दिनों में गैया एकदम ठीक हो जाएगी। इसके बाद सभी गैया को लेकर के घर वापस आ जाते हैं। काजल गैया की मरहम पट्टी करती है। मेरी प्यारी गैया तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इस तरह गैया को वापस से घर में पाकर के ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, गैया भी बड़ी खुश थी। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।